नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से अब लगातार भर्तियां आने को आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पीटी का रिजल्ट स्कोर कार्ड आपका जारी हुआ और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो आपके सामने एक नई भर्ती जो है आ चुकी है पीटी से, और ये स्पेशल भर्ती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। मतलब एक लेखा वाला ये पद है और इनका काफी इंतजार रहता है, इसमें बहुत कम ही कंपटीशन होता है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी मिलते ही नहीं है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी, और लेकिन पद बहुत जबरदस्त होता है। तो जो बच्चे इसकी अहर्ता रखते हैं, क्या अहर्ता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, जबरदस्त है। आपका 3 तारीख से इसका जो है विज्ञापन ये स्टार्ट हुआ, 20 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 20 से चलेगा और 11 मार्च तक चलेगा, और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 मार्च तक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो आपका आया है किस पीटी के थ्रू है ये भी जरूरी है देखना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये पद जो है वो आपका कौन सा है, सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा अंतर्गत आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 668 पद सामान्य चयन और सहायक लेखाकार के 950 पद विशेष चयन एवं लेखा परीक्षक के 209 पद सामान्य चयन और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 1 पद और कुल 828 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन के आमंत्रित किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इतने पद के लिए आपका आवेदन होगा। ये सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की, यह ध्यान रखिएगा, शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पीईटी है आपका 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा के प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 2023 वाले जो स्कोर कार्ड दिया गया है, 2023 की पीटी में सम्मिलित हुए थे, वही पिछले उससे पिछले वाले के लोग जो हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब हम थोड़ा मोटा मोटा चीजें आपको बता दें कि क्या क्या होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया तो ये सब वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ₹25 पहले शुल्क लेंगे, बाद में शॉर्ट लिस्टिंग निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये पदों का देखिए, आंतरिक लेखा लेखा परीक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश सहायक लेखाकार सामान्य चयन, वेतनमान देखिए आपका 29,200 से 92,300 तक है। ये ध्यान लगेगा कि लेवल 5 के हैं, ये मैट्रिक्स जो होता है आपका लेखा परीक्षक हो गया, सहायक लेखाकार विशेष चयन के टोटल आपको यहां पर पद दिया है 1828 पद। अब यहां पर ये आरक्षण के बारे में डिस्कस किया गया है, और यही आपका जब आओगे तो यहां आपकी अहर्ताएं दी गई हैं। तो बेसिकली क्या अहर्ताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, वो जरूरी है। अनिवार्य अहर्ता जो शैक्षिक है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग विधा अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 7 नवंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षक संवर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का की निम्नलिखित अहर्ताएं होनी आवश्यक हैं। कौन कौन सी अहर्ताएं होनी आवश्यक हैं? पहला, भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, मतलब आप बीकॉम किए हो, कॉमर्स से आपने अगर स्नातक किया है, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी आपने किया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा,
अब ओ लेवल डिप्लोमा ही चलेगा, ओ लेवल के इक्विवेलेंट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट की बात नहीं कही गई है। जहां इक्विवेलेंट मांगता है वहां समकक्षता चलती है, जहां नहीं मांगता है वहां पे ओ लेवल। बस हाँ, ये ओ लेवल आप किसी डोएक से किए हो या किसी यूनिवर्सिटी से किए हो तो दोनों चलेगा। मान्यता प्राप्त संस्था से ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष यहां की बात नहीं की गई है। बाकी अधिमानी हारता है। आयु आपकी क्या होनी चाहिए, एज के बारे में ध्यान देख लें कि एज आपकी तो जानते ही हो कि इसमें कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक इसमें एज क्राइटेरिया रहती है, तो यह ध्यान रखिए। इसका सिलेबस सिलेबस सब कुछ दे दिया है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा, बाकी जनरल ही चीजें हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर सिलेबस और उसके, हाँ सिलेबस के बारे में बात करें। सिलेबस में क्या है, देखिए इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। ऑडिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट, डिप्रिसिएशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। आरटीजीएस, ई बैंकिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन बजट कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एडवांस अकाउंटेंसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मतलब पूरा आपके अकाउंट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। टैक्सेशन, अर्थमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर आपका जो जनरल यूपी ट्रिपल एससी में पूछता है, जो आपके हर एग्जाम में, हर इधर रिसेंट में देखने को मिला, सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, वो है उत्तर प्रदेश विशेष 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ये हर एग्जाम में इतना पूछता ही पूछता है। 10 और 15 अगर हम बात करें, 35 क्वेश्चन तो ये आपका यहां से रिजर्व है, बाकी आपके पूरे हैं। 100 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। यहां पर बोला है 1/4 मार्क्स आपका क्या होगा, करेक्ट क्वेश्चन मतलब निगेटिव जो होगा, ये यहां पर बात किया गया। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग ऑफ इच रॉन्ग आंसर फॉर द अबव एग्जामिनेशन, है ना, 25% आपका 1/4 ऑफ द मार्क्स, ठीक है, तो 1/4 आपका निगेटिव मार्क है। पूरा सिलेबस आपका डिटेल दे दिया है कि ऑडिट में, फाइनेंशियल अकाउंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर आरटीजीएस, यूज ऑफ कंप्यूटर इन आरटीजीएस, ई बैंकिंग एंड बजट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवांस अकाउंटेंसिंग में, टैक्सेशन में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या चीजें आएंगी, कहां से क्वेश्चन आएगा, वो सब दे दिया है, वर्ड वर्ड सब ये चीजें आएंगी। और उत्तर प्रदेश से आपको कल्चरल हिस्ट्री उसकी जो है पढ़ना है, लिटरेचर, रीजनल कस्टम्स, सोशल टूरिज्म, एनवायरमेंट, ये सब चीजें आपके यूपी से पढ़ना है, तो ये पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। बाकी जो आपको डिटेलिंग चाहिए वो हम यहां पर आपको बता देंगे कि क्या और चीजें हैं इसमें, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, वो चीजें बता देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई इसकी अहर्ता से रिलेटेड, बहुत ही जबरदस्त जॉब होती है ये, खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या किया है, बीकॉम किया है। सिंपल भाषा में बात करें तो इन बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त ये प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें बच्चे ही नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। बीकॉम प्लस ओ लेवल, ये जिसके पास है उसका एकदम, क्योंकि ये आपका जल्दी होता नहीं है। बीकॉम प्लस ओ लेवल, ओ लेवल के समकक्ष होता तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन ओ लेवल यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे। तो जिनके पास हो, आपकी पीटी में कितना भी कम मार्क्स हो, आप जरूर अप्लाई करिएगा। शॉर्टलिस्टिंग आपके, हम बता रहे हैं, 0 मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जरूर अप्लाई करिए और इस अवसर का फायदा उठाइए और जबरदस्त तरीके से लग जाइए इस पर, बीकॉम वाले जितने हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो।